Assalamualaikum everyone. So I think after traveling to 19 countries, मैं थोड़ी सी qualify कर गई हूँ कि मैं कुछ travel tips आप लोगों को दे सकूँ. And I'm so excited क्योंकि tonight, inshallah, I'm traveling to 2 countries. अब वो कौन से मुल्क हैं? वो एक surprise है. वो मुझे पता है, but I'll slowly tell everybody. But over the years, I've realized that I've been traveling for like 5 years now, and I've realized that कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं अगर आप उनका थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपका जो trip है वो और ज़्यादा अच्छा गुजर सकता है. I also agree कि internet पे बहुत सारी information available है, किस जगह पे क्या मौसम है, currency क्या है, क्या लेना है, क्या खाना है. But at the same time, ये जो हमारे individual experiences होते हैं, अगर इनको हम ज़रा गौर से सुनें तो एक तो ये they're very entertaining, and secondly, I think we would be able to understand better कि हमारी क्या needs हैं. जैसे I have a physical disability, so I remember that I was calling, I picked this travel agency in that country and I called them. I didn't call them, I'm sorry, I actually emailed them. So I called them in my head, लेकिन मैं international calls नहीं कर सकती, मेरे बाबा ने बंद करवाई हुई है, which is also a sad story. So I told them कि look, I have a disability, but मेरी ये condition है, this is what I can do, this is what I cannot do. So can you just recommend me some activities? और बहुत ज़्यादा रिसर्च मेहनत के बाद यू डू कम अक्रॉस थिंग्स जो कि आपको अपील कर सकती हैं, आपके बजट में आ सकती हैं. सो माय नंबर वन टिप वुड बी दैट यू हैव टू रिसर्च खुद से. जो इट सेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. आई मीन आई लव टू गिव टाइम टू लुक इनटू कि अच्छा बफे में क्या क्या है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड ऑल आप उसको परसू कर लें. सो आई हैव ऑल्सो लाइंड अप सम एक्टिविटीज़ फॉर माई सेल्फ. अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, अपनी ग्रोथ, अपनी गोल्स को जिन में रखते हुए आई हैव प्लान्ड ऑल ऑफ दैट. सो एज वी गो ऑन, लेट्स सी ट्रिप पे क्या है, मुझे नहीं पता, बट आई एम एक्साइटेड ऑफ कोर्स. और अभी इस वक्त मैं पैकिंग कर रही थी और द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज वाज के व्हाट आई रियलाइज वाज दैट इफ आई एम गिविंग लाइक 30 मिनट्स से ज्यादा ऑन माई पैकिंग, अगेन इट्स लाइक टाइम का ज़्यादा है. आई नीड टू बी शार्प इनफ, आई नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि अच्छा मुझे वहाँ पे क्या क्या चाहिए. तो वेन एवर आई पैक आई जस्ट टेक हाफ एन आवर, और यही मेरा रूल है अनपैक करने का. द मोमेंट आई एंटर फ्रॉम दैट डोर टू इन साइड माई रूम, आई जस्ट लीव लाइक माई बैग ऑल ओपन, हर चीज़ अपनी जगह पे, लॉन्ड्री अपनी जगह पे, वैंडी की चीज़ें अपनी जगह पर, वॉशरूम की जगह चीज़ें अपनी जगह पर, एंड देन यू जस्ट गेट ऑन विद योर डे डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज. अगर रात का टाइम है तो आप नहा धो के सो जाएं, अगर डे का टाइम है तो इफ यू नॉट टायर्ड तो फिर अगेन नहा धो के तैयार होकर ऑफिस चले जाएं. सो आई थिंक इन चीज़ों ने ना मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखा है, और दैट हेल्प्स, दैट रियली रियली हेल्प्स टू कीप योर सेल्फ गोइंग. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स जस्ट डाइव इन टू वॉट आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू पैक. और मैंने अपने सामान को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. माई राइट इज ऑल द स्टफ जो कि मेरे मेन लगेज के अंदर जाएगा, और मेरी लेफ्ट साइड पे वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ हैंड कैरी करूंगी फ्लाइट के ऊपर. इट्स एन इंटरनेशनल ट्रिप विच आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन. सो वन थिंग दैट आई वांट टेल एवरीबॉडी इज दैट द बैग दैट आई कैरी माई सेल्फ ऑन अ फ्लाइट, चाहे 2 घंटे की फ्लाइट हो, 3 घंटे की हो, 4, 5, 6, मेरी तरफ से पूरे दिन की फ्लाइट हो, आई डोंट केयर, आई एम गोइंग टू कैरी दिस बैग एंड दैट्स इट. और इसके अंदर भी कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि पासपोर्ट होता है, कुछ पैसे होते हैं, 1-2 कॉस्मेटिक की आइटम्स होते हैं एंड दैट्स इट. और ये चीज़ मैंने बहुत देर से समझी. हम क्या करते हैं, लैपटॉप रखा, चार्जर रखा, पता नहीं क्या क्या मेकअप का सामान, ये वो, बबल गम रख लो, ये रख लो, वो रख लो. होल्ड इट, यू डोंट रियली नीड दैट स्टफ. आई मीन एट टाइम्स तो यू जस्ट गेट ऑन द प्लेन एंड यू जस्ट डोज ऑफ. आई मीन दैट्स मी. और ऑन द प्लेन मैंने कभी कभी रियलाइज किया है कि इतनी ज़बरदस्त फिल्में हैं जो मैंने नहीं देखी, बिकॉज रोजमर्रा आपको नहीं, वो स्केड्यूल आप नहीं कर पाते हैं. बट ऑन दैट फ्लाइट यू एक्चुअली हैव टाइम टू गो थ्रू दैट. और मैंने इतना वर्ल्ड सिनेमा को एंजॉय किया है. आई स्टार्टेड वॉचिंग कोरियन मूवीज, टर्किश मूवीज, एंड आई लव्ड इट. और वो भी आई थिंक एक ग्रोथ का बहुत अच्छा टाइम होता है, एक स्पेस होती है डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड. सो अवॉइड टेकिंग स्टफ फ्रॉम योर वर्ल्ड. आई मीन एक या दो चीजें आप ले जाएं एंड ट्राई इमर्सिंग इन टू दैट फ्लाइट एक्सपीरियंस. और somehow I'm not a huge fan of carrying my own entertainment. तो मैंने अपना लैपटॉप भी फ्लाइट्स पे ले जाना छोड़ दिया है. मैं नहीं काम करती, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं अपने आप से बातें करती हूँ, मैं फ्लाइट अटेंडेंट से बातें करती हूँ, मैं अपनी मदर से बातें करती हूँ, खाती पीती हूँ, एंड आई रियली लाइक टू गिव दैट टाइम टू माई सेल्फ एंड नॉट रियली यूज द लैपटॉप. और अगर बहुत ज्यादा तोप चलानी है सो आई ऑलवेज कैरी अ बुक विद माई सेल्फ. ऑन दिस ट्रिप आई विल बी रीडिंग द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. आई एम श्योर ये आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, बट दिस इज़ बाई अरुंधति रॉय, जो कि काफ़ी वोकल हैं, बहुत सारे मसलों पर बात करती हैं. एंड द ओनली रीजन आई पिक दिस बुक वॉज क्योंकि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, इनका परस्पेक्टिव कहाँ से आ रहा है, और जब व्हेन शी इज टॉकिंग द ट्रूथ, एंड यू कैन फाइंड लॉट ऑफ ट्रूथ अबाउट अ पर्सन
in the literature or the work that they've done. Unke apne art mein aapko bahut kuch nazar aata hai. So I'm interested to understand this person, and for that reason I would love to read her book. So by the end of this trip, hopefully main shayad aapko iska review bhi karke dun. So let's just dive deeper into main kya leke ja rahi hu flight ke upar. So this is going to be my bag. और कुछ मैंने कॉस्मेटिक्स ले डाउन किए हैं जो बिफोर माई फ्लाइट आई एम टू वेयर. कुछ रीजन्स फॉर वाई यू शुड वेयर लेस मेकअप ड्यूरिंग फ्लाइट इज बिकॉज जब आप बहुत कुछ लगाते हैं तो एक टाइम आता है जब आपको बहुत ज्यादा टचअप्स भी करने पड़ते हैं, तो यू हैव टू कैरी एज मेनी प्रोडक्ट्स. उससे इट इज जस्ट लाइक यू नो कैरिंग योर एंटायर रूम विद यू. सो जस्ट कैरी टू या थ्री प्रोडक्ट्स, ट्राई टू अगेन इन्वेस्ट इन हेल्दी स्किन, और कोशिश करें कि टचअप्स आपको कम से कम करने पड़े. कोई नेचुरल मेकअप हो, मैट लिपस्टिक हो, अगर थोड़ी सी हट भी गई है तो उसका इफेक्ट रहे, सो दैट इफ यू हैव टू टेक लाइक अ पिक्चर इमीडिएटली यू स्टिल रेडी, यू आर स्टिल पिक्चर परफेक्ट रेडी. सो आई जस्ट हैव लाइक टू या थ्री लिपस्टिक्स विद मी. और मेरा एक रूल है कि जहाँ पे दो लिपस्टिक्स होती हैं ना, वो टेक्निकली दो नहीं होती, वो तीन होती हैं, बिकॉज इफ यू मिक्स देम दिस इज थर्ड कलर. I feel so intelligent right now. So I just carry less makeup and I try to mix and match. और ये भी एक adventure है. आप किसी trip पे गए हुए हैं, why do you want to feel so comfortable? Get out of your comfort zone. Go there, explore करें. Especially when it comes to my hijab, I just carry her 2 or 3 hijab, वो भी pastel colors में. मुझे पता है उसमें light colors होती हैं तो वो हर dress के साथ चले जाएंगे. And once you do that, once you're there, you just have to see. Getting up in the morning and dressing up is like the start of the trip. You're like, okay, I'm going to wear this, I'm going to match this with this, this with this. Oh no, you don't have any. And then you have to, you know, go out on an expedition to find that missing cosmetic. And turns out that it's probably in your 7th room with someone. So you can always go knock on the door, can I please get a red lipstick? Why not? It's adventure, you're on a trip for God's sake. So here is my cosmetics. थोड़ा सा पैसों की भी बात कर लेते हैं, तो आई एम डेफिनेटली कैरिंग माय डेबिट कार्ड विद मी. ये वैसे चलता नहीं है एचपीएल, इफ एनीबडी इज वाचिंग फ्रॉम एचपीएल प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. आप लोग काफी दफा मुझे एम्बैरेस कर चुके हैं फॉरेन कंट्रीज में, बट लकीली अमेरिका कम्स टू द रेस्क्यू, सो यू आर ऑल्सो कैरिंग योर यूएस डॉलर्स. डू कैरी योर आईडी कार्ड विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब बहुत सारे मौके होते हैं वेर यू कैन गेट स्टक. आप पासपोर्ट अपना हर जगह नहीं ले जा सकते, पर अपना आईडी कार्ड जरूर साथ लेके जाएं. Speaking of money, you must carry some loose change with you. I don't know what is with Pakistani airport porters. I mean, they literally make you feel guilty if you don't give them any tip. मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि मैं कोई tax दे रही हूँ जो कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ, but फिर भी वो मैं tax दे रही हूँ. वो tax है कि अगर मैं आपकी wheelchair यहाँ से वहां तक लेके जा रहा हूँ तो आपको मुझे देनी है, अगर आप नहीं देंगी तो आप एक बुरी इंसान है. एंड आई एम लाइक यार ओके ओके, मैं आपको दे देती हूँ, मैं आपको दूंगी, चाय के भी पैसे दूंगी, डिनर के भी दूंगी, स्वीडिश के भी दे दूंगी. लेकिन People who can't really afford this, क्या उनका हक नहीं है कि पोर्टर उनकी व्हीलचेयर पुश कर दे या उनका बैग ले जाए? तो why do we have to do this? Why do we have to have rules जो कि equally जब सब पे apply होते हैं तो inequality और बढ़ती है? तो मुझे इसलिए ये बात बुरी लगती है. अदरवाइज आप सब लोग को पता है कि मुझे पैसे देना सबको कितना पसंद है. सो डू कैरी दिस और दे दें इफ यू कैन अफोर्ड इट, डू गिव, बट ट्राई टू इनकरेज अ सिस्टम वेयर देयर इज इक्विटी. पीपल हु कांट अफोर्ड समथिंग उनको किसी और तरीके से इक्विटी दी जाए. I also have another currency over here, and this is actually currency of the country that I'm first visiting. So if you can guess, ये कहाँ की है? Okay, you have to guess it. वैसे why am I even hiding this thing? I don't know. I think I'm going to surprise everybody. So when I'm going, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी है. So मैंने finally time आ गया है कि मैं अपनी glasses पहनूंगी और फिर I'm going to feel like a star or something on the inside. So it's going to be great. One thing I also love to carry are my business cards. क्योंकि ऑफकोर्स वेन यू आर ट्रैवलिंग आपकी नेटवर्किंग होती है, यू मीट पीपल, यू आर ऑन द फ्लाइट, यू आर टॉकिंग टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू, यू आर टॉकिंग टू एवरीबडी, और बहुत अच्छे चांसेस होते हैं टू फाइंड अ सिनर्जी ओवर देयर. अगर आपको कोई बिजनेस है, कोई आपका प्रोजेक्ट है, यू आर ट्राइंग टू गेट सम हेल्प, यू वॉन्ट टू गिव हेल्प, सो डू कैरी योर बिजनेस कार्ड्स. एंड आई एम जस्ट लविंग माई कार्ड राइट नाउ. इट इज फाउंडर गर्ली थिंग्स. एंड वन ऑफ माई यू नो बिगेस्ट टिप टू यू would be that please found something, please do find something in your life. I think finding your own legacy in your life is the biggest success anyone can have. And when I say that, I'm not saying that you need to have a big empire or something. Even if you write one book, that is your legacy. What is your legacy? You're leaving something behind for the next generation. वो जब आपके बारे में सोचेगी वो क्या सोचेगी? ये था फजूल इंसान था, देखो क्या क्या करके चला गया. ये वो कहेगी वाह भाई बड़ा कमाल का काम किया, जो भी था बड़ा अकलमंद इंसान था. सो छोटा बड़ा डज नॉट मैटर, बट लीव योर लेगेसी बिहाइंड. सो आई थिंक दिस इज माई लेगेसी विच आई एम गोना कैरी विद माई सेल्फ ऑन द एयरप्लेन.
So all of this stuff over here are the things that I'm going to carry with myself on the plane. एक और चीज़ that you must carry with yourself, लेकिन वो आपको घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उधर भी मिल सकती है, लेकिन अगर मिल जाए तो उसको, अगर थोड़ा सा अगर आपका बड़ा बैग है उसको रख लें, and that is an empty bottle. Because as Muslims, हमको ये सहूलत बाहर नहीं मैसर होती है, and if you have to use the washroom or something, we need an empty bottle. और उस टाइम पे if you're looking for one, so chances are कि आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है. और आई एम ऑल्सो गोइंग टू हाइड्रेट माई सेल्फ नाउ, क्योंकि कुछ घंटों में मेरी फ्लाइट है, और शायद अगर मैं फ्लाइट पे पानी पीऊंगी तो मुझे फ्लाइट पे वॉशरूम के लिए कोई सहूलत नहीं मिलेगी. येस, माई लाइफ इज हार्ड बट इट्स फन, ट्रस्ट मी, आई एम गुड, थैंक यू. आपके एयरफोन्स भी हो गए, एयरफोन्स भी रख लेंगे. वैसे मैं इनके साथ कुछ भी नहीं करती, लेकिन मैं रख लेती हूँ इनके किसी का वॉइस नोट आ जाए ऊपर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थिंग्स दैट आई हैव पैक्ड फॉर द ट्रिप. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे एक चीज नजर आ रही है, दैट इज माय लैपटॉप, एंड दैट इज अगेन फॉर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. खूबसूरत जगहों पे जाके मुझे काम करना, स्ट्रेस लेने का बहुत शौक है, तो आई एम गोना टेक माय लैपटॉप विद मी. आई एम ऑल्सो कैरिंग माय नोटबुक विद मी. अगेन ये मैंने अपने हैंड कैरी में नहीं डाला, मेन लगेज में डाल रही हूँ, क्योंकि हैंड कैरी में इफ आई वॉन्ट टू राइट समथिंग वो मैं अपने मोबाइल पर भी लिख सकती हूँ. इट्स टाइम अगर मैंने कोई 30-35 हज़ार रुपये का फोन लिया है तो उसको यूज किया जाए, तो आई एम गोना कीप इट इन साइड. And a lot of clothes over here. No, hold it. Not a lot of clothes at all. मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने different hotels में जाकर कपड़े धोए हुए हैं, अपने कपड़े धोए हुए हैं. And again, I take a combination of scarf, जो मुझे लगता है कि multiple कपड़ों के साथ हम use कर सकते हैं. Always make sure कि आपके bag में जगह है for things that जो आपने वहाँ से लेनी है. And when I say that, I don't mean the toiletries, वो जो फेस वॉश और वो शैम्पू वगैरह, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो मैं बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेकर जा रही हूँ. तो कपड़े मेरे कुछ है कि आई कैन एक्चुअली, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी दोबारा से, तो मैं एक को आराम से प्रेस करके या वॉश करके आई कैन वेयर इट अगेन, स्पेशली ऑन द डेज जब आपने फ्लाइट लेके वापस आना है. दैट्स टोटली फाइन. और आई वुड हाईली इनकरेज दैट कि कपड़े आप कम लेके जाएं, इन्वेस्ट करें अगेन एक्सपीरियंसेस में, स्पेंड मनी ऑन ऑल ऑफ दैट. मनी एंड स्पेस, ये दो चीजें आपके पास, और यू हैव टू प्ले अराउंड इट एंड मेक द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. और अगर आप इसमें यू नो कामयाब हो जाते हैं, सो दैट्स व्हेन यू आर इंटेलिजेंट पर्सन. सो इंटेलिजेंट राइट नाउ. सो क्लोथ्स आर डन, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अ बिट मोर अबाउट वैनिटी और कीपिंग योर सेल्फ क्लीन. मैं जैसे बार बार कहती रहती हूँ, गर्ली थिंग्स का पूरा प्लेटफॉर्म ही इज ऑल अबाउट फेमिनिन हाइजीन. सो वी एज वुमेन, आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, नॉट जस्ट फॉर द ब्यूटी पार्ट, बट ऑल्सो बिकॉज हमारी एक हेल्थ की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, कि जो पोल्यूशन है, जितने प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उनके अंदर टॉक्सिन्स इतने होते हैं, तो अगर हम लोग अपने आप को हेल्दी नहीं रखेंगे, हमें बीमारियां जल्दी लग सकती हैं. क्योंकि ऑल्सो बिकॉज एज वी एज वुमेन वी यूज मोर प्रोडक्ट्स कम्पेयर टू मेन. सो आई एम डेफिनेटली टेकिंग माई फेस वॉश विद मी, और आई एम टेकिंग दिस क्लेंजर, आई थिंक आई रियली लाइक दिस. तो अगेन क्लेंजर, अगेन यूल सी अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, और मैं पूरा फुल पैक लेके जा रही हूँ जो हेल्थ केयर और स्किन केयर पे है. मेकअप पे कम है, हेल्थ केयर के ज्यादा है. तो ये हो गया. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक, आई हैव नो क्लू व्हाट दिस इज कॉल्ड, बट यू यूज इट इन योर आर्मपिट्स, बट आई लाइक दिस, आई थिंक इट्स गुड. अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो यू शुड टेक थिंग्स लाइक दीज, यू शुड फील फ्रेशर, मोर क्लीनर, सो आई डू दैट. नाउ आई ऑलवेज कैरी अ स्पंज विद मी ऑल्सो, इस वजह से क्योंकि कभी कभी कुछ होटल्स में जो सिंक होता है वो इतना दूर होता है कि मेरे हाथ नहीं वहां पहुंच सकते, तो मैं मुंह नहीं धो सकती, तो मैं साबुन तो लगा लेती हूँ, तो आई जस्ट हैव टू लाइक वेट दिस एंड जस्ट गो ऑल. इट्स अ ग्रेट स्क्रबिंग टेक्निक ऑल्सो. थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन होती है तो थोड़ा जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, और इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर लिप्स. तो जब आप फॉरन ट्रिप्स पर जाते हैं तो समटाइम्स यू आर अनेबल टू ड्रिंक वाटर, स्पेशली मी, क्योंकि वॉशरूम्स एक्सेसिबल हैं नहीं है मुझे नहीं पता, तो मेरा पानी बंद हो जाता है, मैं पानी नहीं पीती, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आते हैं. द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आर योर लिप्स, और दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइड, यू डोंट फील गुड ऑल्सो. तो इफ यू एक्सफोलिएट तो उससे थोड़ी बचत हो जाती है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी टेकिंग विद मी आयुर्वेदाज प्योर आयुर्वेदाज स्किन ग्लो एंटी रिंकल एंड एंटी फर्मिंग सिरम, बिकॉज वाई नॉट, थोड़ा सा हो जाए, वही ट्रिप पे जा रहे हैं. और मुझे किसी भी भरोसा नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्कार्फ पिंस, तो मैं अपना सारी स्कार्फ पिंस के दो पैक से दोनों ही लेके जा रही हूँ भाई, जो भी है. आई नीड टू कीप देम विद मी. यू हैव नो आइडिया, वी लूज स्कार्फ पिंस लाइक एवरी सेकेंड. पता नहीं वो कहाँ जाती है, आई हैव नो आइडिया. समडे यू नो जमीन खुलेगी और नीचे से ना एक स्कार्फ पिंस का ऐसे पिरामिड टाइप चीज निकलेगी, वो आई एम श्योर मेरे कमरे के नीचे से निकलेगा. सो आई लूज अ लॉट ऑफ देम. एंड देन प्योर आयुर्वेदाज, आई एम ऑल्सो टेकिंग दिस मॉइस्चराइजर विद मी, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ बहुत ज्यादा गर्मी है, सो आई नीड टू कैरी समथिंग दैट इज गोइंग टू कीप मी मॉइस्चराइज एट नाइट. अगेन आई एम गोइंग टू टेक माई सनब्लॉक विद मी, और आई यूज अ लाइक इन द मॉर्निंग जस्ट वंस.
एंड उसका मेरे पास एक छोटू वर्जन भी है जो मैं इधर छोड़ के जा रही हूँ कि मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, तो आते साथ ही मेरे पास कुछ होना चाहिए टू मेक श्योर कि मेरा कोटा खत्म ना हो. एंड अगेन थोड़ा सा मेकअप है, आई ड्रॉप्स है मेरे पास, मुझे थोड़ा आई के प्रॉब्लम हो जाता है, अक्सर बहुत ज्यादा रेड हो जाती है. जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है उनको काफी परेशान किया है मैंने रिसेंटली, तो आई स्टार्टेड टू कीप दिस विद मी, क्या कि थोड़ा सा भी कुछ रेडनेस हो तो आई कैन नॉट लुक लाइक अ सिक पर्सन. नॉट दैट सिक होने में कोई बुराई है, बट अगर आप सिक हैं तो आप अपना इलाज करा सकते हैं, आना चाहिए. ठीक है, आई एम ऑल्सो टेकिंग मल्टी विटामिन विद मी और डे लाइफ में भी आई डू टेक मल्टी विटामिन और ट्रैवलिंग के दौरान भी. वैसे भी आपकी डाइट की थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कुछ मिलता है खाने को नहीं मिलता, हलाल हराम ये वो, जंक फूड ऑब्वियसली बढ़ जाता है बिकॉज यू इन अ फेस्टिव मूड, यू विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, तो यू मस्ट हैव दिस. आई थिंक वाइफ हेयर बट दैट डजंट कंसर्न अस. एंड देन ऑफकोर्स मेकअप वाइप्स, अगेन इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्दी स्किन वर्सेज मेकअप एंड आई एम ऑन दैट साइड. ठीक है, आप डिसाइड कर लें आप कौन सी साइड पे हैं. सो अ लॉट ऑफ मेकअप क्लिनजिंग और उतारो बस उतार दो, दैट इज गोइंग टू बी माई थिंग. एंड द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू कैरी विद माई सेल्फ इज दिस, इससे कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी बात है, इससे कुछ भी नहीं होता है. द ओनली रीजन वाई एम टेकिंग दिस विद मी इज कि वंस आई हैव चेक्ड इन टू माई होटल आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो फ्रेशन अप अ बिट, आई एम गोइंग कम आउट एंड आई एम गोइंग पुट दिस ऑन माई फेस एंड आई एम गोइंग टू आई डोंट नो आई थिंक आई एम गोइंग फील अ बिट मोर पैम्पर्ड, क्योंकि शायद मेरे वैसे हालात थोड़े खराब हैं, तो दीज आर लाइक स्मॉल टैक्टिक्स दैट यू कैन डू जस्ट टू फील अ बिट मोर यू नो लव्ड ऑन द इनसाइड. सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम टेकिंग दिस विद मी, इससे वैसे कुछ होता नहीं है, तो थैंक यू गार्नियर एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ आई एम गोइंग कैरी इन दिस बैग. और ये बैग जो है ना ये एक्चुअली ये किसी एयरलाइन का ही है, मुझे आई एम फॉरगेटिंग इसका कहाँ लिखा नहीं हुआ कहीं पे, आपको पता है, लेकिन किसी एयरलाइन का ही है. और ये जो टैग है ये मुझे एक और बैग का मिला था, ये मैं लगा लेती हूँ साथ में, क्योंकि व्हेन यू गो टू योर होटल यू कैन ऑलवेज पुट योर टॉयलेटरीज इन इट, इसको आप जिप करके वॉशरूम के बाहर लटका लें और जब अंदर जाना हो तो आप ले जाए, तो यू डोंट हैव टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स एवरीवेयर, योर प्रोडक्ट्स आर देयर बट इन अ सेफर स्पेस. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू बी कैरिंग विद माई सेल्फ. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि योर वीजाज टिकट्स को बेशक आप प्रिंट ना करवाएं और अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, लेकिन वीजा को आप प्रिंट जरूर कराएं, बिकॉज कभी कभी व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट कंट्री आप इमिग्रेशन करा रहे होते हैं, तो जो टिकटिंग काउंटर होते हैं उधर अपना फोन तो दिखा सकते हैं कि दिस इज माई फोन चेक माई टिकट. वीजा के लिए समटाइम्स द पर्सन टेक्स दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम यू एंड गोज इन साइड अ रूम, सो दे कांट टेक योर फोन इन साइड, क्योंकि वो ले गए तो पीछे से आप क्या करेंगे. ठीक है, सब कुछ तो कटवा दिए मैंने. So always print the visa. Visa and your documents should be printed. Ticket ko beshak itni lift na karein. It's okay. Bas jahaz mein pahunch gaye na, bas good hai. So it's 9 PM right now and I think I'm going to sleep now because I have to wake up and then go for my flight. Okay, uske baad my day would start the moment I land over there. So I will not find time to sleep. Yes, I think you should sleep. Excitement mein aksar hum sote nahi hai. Lekin usse pe na affect hota hai. Aapka trip kharab hota hai. Aap zara drowsy ho jate hain aur time zone bhi change hota hai. Bahut cranky situation ho jati hai. So don't do that. Do sleep. Do drink a lot of water. Khana bhi kha lein. Kabhi kabhi jahaz ka khana acha nahi hota. वैसे जहाज की भी बड़ी जबरदस्त टिप्स है मेरे पास, लेकिन वो मैं आपको इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू अगेन. आई रियली होप ये सब कुछ बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और मैं दुआ करती हूँ दिल से कि आप सब लोगों को मौका मिले टू ट्रैवल और आप जब ट्रैवल करें तो आप बहुत खुश हों, आप ग्रो करें और अपनी फैमिली के लिए आप यू बिकम दिस पर्सन जो बहुत बड़ा एक शो ऑफ है, उसको सब पता है कि उस मुल्क में ये होता है वो होता है, वो मैं नहीं हूँ बट यू नेवर नो. ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़. ये बनका सकता है.